Alright, so you guys, once again, welcome back to another amazing video of Road Rash Rishabh. So, isn't it, it's look like a C400 GT by BMW? But no, this comes from the Zontes itself, which is from Benelli. So, this is Zontes scooter. और यह इस स्कूटर का नाम है Zontes 350D, जो कि एक मैक्सी स्कूटर है 350 सीसी का। अभी तक जो मैक्सी स्कूटर आ रहा है इंडिया में वो एरोक्स 155 है बाय यामाहा, और ये है 350 सीसी का मैक्सी स्कूटर विच कम फ्रॉम द Zontes बाय द हाउस ऑफ बेनेली एक्चुअली। और इधर सेम स्पेक्स हैं बट इलेक्ट्रॉनिकली और फीचर वाइज थोड़ा सा फर्क है। अगर हम लोग देखें बाकी स्पेसिफिकेशन के मामले में दोनों ही सेम है। लेट मी टेल यू द स्पेक्स। सो यहाँ पे 349 सीसी एंड 36 एचपी 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलता है एंड द ग्राउंड क्लीयरेंस इज ऑफ 150 mm। और इतना सारा रिव्यूज कर रहे हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाय द वे, दिस स्कूटर गॉट अ डुअल चैनल ABS और अलॉय कुछ हिसाब के लगते हैं। एंड और हम लोग बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, गियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 120 इज इन फ्रंट एंड 140 इज इन बैक। 15 इंचेस का टायर है फ्रंट में और 14 इंचेस का टायर आपको रियर में देखने को मिलता है। एंड बाकी थोड़ा सा और बात करें तो 188 kg 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। कुछ हिसाब का स्कूटर लिखता है, Zontes की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सीट्स देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी फर्म्ड कुशन सीट है, देखा जाए तो काफ़ी फर्म्ड है। और इस आपको ग्रैपल देखने को मिलता है, पीछे की टेल लाइट उस आपकी देखने को मिलती है और यहाँ पे Zontes की ब्रांडिंग देखने को मिलती है यहाँ पे एग्जॉस्ट की टिप में। और इस आपका कुछ आपको डिस्क देखने को मिलता है एंड यहाँ पे शो करते हैं आपको बेनेली की Zontes एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको शो करते हैं Zontes की मैक्सी स्कूटर। मैंने अभी बताया कि स्पेसिफिकेशन दोनों ही के सेम है, बट देखा जाए इवन फाइबर के हिसाब से भी ये थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं, कुल मिला के 6 प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक DRL भी ब्लू कलर का देखने को मिलता है, यहाँ पे एक वाइट कलर का देखने को मिलता है, यहाँ पे एक आपको काइंड ऑफ जो स्पॉयलर फ्रंट स्पॉयलर समथिंग कुछ देखने को मिलता है। काफ़ी अजी लग रहा है, काफ़ी एरोडायनेमिक भी लग रहा है ये। इस आपका कुछ डिस्क देखने को मिलता है, काफ़ी ह्यूज डिस्क है ये। और यहाँ पे अगेन Zontes की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसकी सीट थोड़ी सी उससे ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू दिस, ऐसा आपसे उसको बाप कह सकते हैं इसका। बट स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों ही सेम है। इसमें आपको हीटेड ग्रिप्स भी देखने को मिलती हैं, इवन आपको TCS कंट्रोल भी देखने को मिलता है एंड आई थिंक सो ओके। यहाँ पे आप छोटा मोटा स्टफ भी रख सकते हो। काफ़ी डिफरेंट है स्कूटर है ये, और अभी इसकी प्राइस जस्टिफाई नहीं हुई। अगर प्राइस जस्टिफाई होगी तो मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। बाकी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर भी देखने को मिलते हैं। ये स्कूटर आपको कीलेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूलिट देखने को मिलती है, पूरा कीलेस स्कूटर है। और दिखाते हैं यहाँ पे आपको किल सीट देखने को मिलता है, एको मोड देखने को मिलता है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम, यहाँ पे फ्यूल ओपन के लिए, यहाँ सीट ओपन के लिए, यहाँ लॉक एंड यहाँ पे इग्निशन स्विच एंड ये हीटेड ग्रिप्स के लिए है। और यहाँ पे लो बीम हाई बीम, यहाँ पास इंडिकेटर्स, यहाँ पे एक और बटन दी गई है मोड के लिए, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न और यहाँ पे एक और बटन दी है, यहाँ पे सेट और MCD। बहुत ज़्यादा लोडेड है, बहुत ज़्यादा लोडेड स्कूटर है 350 सीसी के हिसाब से, जो कि एक ये है और उधर साइड एक और खड़ा है। और इस आपके कुछ मिरर देखने को मिलते हैं। बाय द वे, आई एम इन द ऑटो एक्सपो, तो इस आपका कुछ ऑटो एक्सपो है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत सारी बाइक रिव्यू करने में। यहाँ पे Zontes की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ये 10 किलो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट स्कूटर, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ह्यूज सामने ही से देखने को मिल रहा है, तो ह्यूज ऑब्वियसली होगा, तो वो 10 kg ज़्यादा ह्यूज है इससे अगर हम लोग कंपेयर करें। बाकी इसमें आपको 16 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बाय Zontes इटसेल्फ आपको यहाँ पे हैंड गार्ड भी देखने को मिलते हैं वो साइड। सो इस आपका कुछ स्कूटर है, काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में। बाकी इतनी सी वीडियो थी, अब जंप करते हैं कोई दूसरी मोटरसाइकिल में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।